जी मैं सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में, में हूँ का मेज़बान शाजा गौरी नाजरन मैं आज एक बड़ी ही खूबसूरत ग्राउंड में मौजूद हूँ जो उसके इसकी टन के साथ है बिल्कुल और मेरे साथ ब्राइन भट्टी मौजूद है आप तक तो को याद होगा कि मैंने स्टूडियो के अंदर एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर मैंने ब्राइन भट्टी को साथ बुलाया था और ये हमारा क्रिश्चन कम्यूनिटी का प्लेयर है जो कि काफ़ी सारी मुश्किल के साथ इस क्रिकेट को चला रहा है जॉब्स भी नहीं है लेकिन फिर भी ये गेम को रन करता जा रहा है अब हुआ क्या कि इसने कहा कि मैं अपना टाइम तो जो जिस वक्त क्रिकेट का टाइम था टीन एज का उस वक्त तो बड़ी मुश्किल से मैंने क्रिकेट सीखी लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जो कि आने वाले वक्त में प्लेयर बनना चाह रहे हैं उनके लिए एकेडमी खोलूं और इसने ब्रांड भट्टी क्रिश्चियन क्रिकेट अकेडमी का इफ्ताह कर दिया मैं इस वक्त ब्रायन भट्टी और शाहिद खटक साहब जो कि इनके साथ इसी अकेडमी को रन भी करेंगे और उनके शाना बशाना हेल्प भी करेंगे तो पहले मैं ब्रायन से पूछूंगा कि इसने ये फ्री अकेडमी का जो आगाज़ किया है ये किस लिए किया है और पीछ, इसके पीछे जो मकसद है वो क्या है जी ब्रायन बताइएगा जी इस्लाम जी सब मैं अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को वेलकम करता हूं और मैंने क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की है ये अपने क्रिश्चियन बच्चों के लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें जो मैं बच्चों को बेनिफिट देने जा रहा हूं अपने क्रिश्चियन बच्चों को जो के नशा करते टाइम ज़ाया करते अपने ठीक है उसके बाद ये अपना ग्राउंड में नज़र नहीं आते बहुत कम लड़के हैं हमारे जो स्पोर्ट्स में हैं बहुत से भी हैं लेकिन बहुत कम हैं लेकिन छोटे बच्चों पर प्रमोट कर रहा करूँ ताकि ये क्रिकेट आगे खेलें और अच्छा परफॉर्म करें नाम बनाएँ और जो टैलेंट हमने सीखा है शाहिद भाई मेरे साथ हैं मेरे कैप्टन मेरे कोच भी हैं इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार गुजार इनकी बड़ी मेहनत है मेरे पे और मैं लास्ट टाइम सेंटर ऑफ पंजाब कम्युनिटी लीग भी खेला और इनकी बदौलत है इन्होंने मेरे पे बड़ा वर्क किया है हमारी क्लब के तीन लड़के खेले उन पर बहुत काम किया है और शाहिद भाई का बड़ा प्यार है अकेडमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्रिश्चन बच्चे हैं हमारे अपना टाइम ज़ाया करते हैं स्पोर्ट्स में आए बल्कि फ़िटनेस पे भी काम इन पे होगा और दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी है और मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे हमारे जो मैट्रिक करते हैं वो मैट्रिक के बाद क्या होता है कि वो आगे स्टडी नहीं कर सकते कॉलेज वगैरह में नहीं मिल जाता जी जी बिल्कुल स्पोर्ट्स में क्योंकि स्पोर्ट्स में नहीं ना होते तो स्पोर्ट्स में जब होंगे तो ये आगे जो ना वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं हम चाहते हैं शायद वही भी मेरे साथ हैं और मैं खुद भी जिन कोचेज के अंडर मैंने क्रिकेट खेली है शायद भाई के वो प्लेग भी हैं क्रिकेट में तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो मैट्रिक करते हैं उसके बाद तीन से पाँच लाख रुपया जो है वो एडमिशन फीस होता है कॉलेज का तो इसमें स्पोर्ट्स बेस पे जो कि फ्री एडमिशन होगी बच्चे की तो वो बच्चों पे जोन सा ना वो माँ बाप का बाजू भी बनेंगे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकेंगे और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर टैलेंट होगा बच्चों पे जो हमने नए कोचिज़ पर जो पे फिटनेस पे और क्रिकेट पे काम करना है ये बच्चे बाहर जाएंगे तो अपनी लाइफ को बना सकेंगे अपने माँ बाप का बाजू बन सकेंगे अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी इज्जत को आगे बरकरार रखेंगे तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे सबका साथ चाहिए जैसे कि शाहिद भाई मेरे टीम कैप्टन कोच भी हैं इनका मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ और आपका भी इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और अभी दे भी रहे हैं और तो इस तरह आप कह रहे हैं कि मैट्रिक के बच्चों को जो है आगे कॉलेज में एजुकेशन के लिए स्पोर्ट्स की जरूरत होती है तो आपने एज लिमिट क्या रखी कि उस वक्त बच्चे आपके पास आए मैट्रिक के पेपर दें और स्पोर्ट्स की बेस पे कॉलेज भी चले जाएं जी बिल्कुल साजिब भाई ऐसे ही है आ, मैं आठ साल से बच्चों को स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिकेट आठ से लेके ट्वेंटी तक ट्वेंटी ईयर्स तक मतलब वो बच्चे आठ से जब क्लास के होंगे भी तो मतलब दो तीन साल में उनपे वर्क होगा उनपे काम होगा फिटनेस पे काम होगा सबसे पहले फिटनेस बहुत जरूरी है फिटनेस पे काम होगा उसके बाद ये बच्चे जो वो वो मैट्रिक तक पहुंचेंगे जैसे वो अच्छे मार्क्स वगैरह लेके जब मैट्रिक कम्प्लीट करेंगे क्योंकि हमारे जो क्रिस्टन आपको पता है कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं और वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते ना इतने पैसे एक टाइम में निकलते हैं तो तीन से पांच लाख जैसे कि कॉलेज में आपको पता है कि पांच लाख रुपया एडमिशन फीस है की जितनी भी होगी जी जी और जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स बेस पे हम चाह रहे हैं कि उनको स्पोर्ट्स बेस पे फ्री एडमिशन मिल सके कॉलेज में और ये आगे अपना जो साहब वो अपनी लाइफ को बना सकें और जब जिसने आपने अकेडमी का आगाज कर दिया है तो स्पेशली specially... लड़कियां भी आ सकती है लड़कों के लिए जी बिल्कुल साजिद भाई अभी तो लड़कों पे काम हो रहा है ठीक है, ठीक है आ, मैं अपनी बहनों को भी सपोर्ट करूंगा जरूर जैसे ये आ, मतलब कि इस पे काम स्टार्ट किया है लड़कों पे ठीक है। तो खुदा के फजल के करीब जो बच्चे हो गए मेरे पास ठीक है। तो ये माशाला खुदा के फजल अक्रम से बड़ी अच्छी तादाद ये ठीक है तो इसपे सिक्सटी थ्री आगे भी और भी काफी बच्चे जो उनसे कॉल्स भी मुझे बहुत आ रही है और वो कह रहे हैं और शाहिद भाई ने इजीली जो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं वो किस तरीके से आएंगे यहाँ पर जी बिल्कुल ऐसे ही है ये जोड़ेपुल ये बड़ा फेमस स्टॉप है और एयरपोर्ट के पास है बिल्कुल नया नया एयरपोर्ट और ये अस्सी के बिल्कुल करीब है रेंजर्स के वो सामने चेक पोस्ट है उसके बिल्कुल सामने ये ग्राउंड है, है ठीक है तो ये इनकी लोकेशन है और ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि ताकि बच्चे हमारे उन बच्चों को प्रमोट किया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें कोई फीस नहीं है कोचिंग की कोई फीस नहीं है इसमें मुझे साथ चाहिए अपनी जैसे अच्छा, क्या क्या चीजें की आपकी जरूरत है जो लोग आपको अगर पैसे नहीं कर, दे सकते तो कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कर दें क्या क्या चीजों की जरूरत है आपको जी बिल्कुल ऐसे ही है मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे कोई पैसे सेंड करें या मुझे कि मेरे अकाउंट में पैसे भेजें मैं चाहता हूं कि ये जैसे मेरा मैसेज सुनते हैं मुझे बच्चों की किट्स की ज़रूरत है फिर उसके बाद किट समान की ज़रूरत है ठीक है और ये चीज़ें मेरे पास होगी तो मैं इसको अकेडमी को आगे लेके चल सकता हूँ बच्चों को प्रमोट सकते बिल्कुल क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रिकेट अकेडमी इसमें कोई फ़ीस नहीं है कोचिंग की कोई फीस नहीं है तो मुझे अपनी जो चर्चेज़ हैं हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं एन हैं इन पर जोन स न व मैं चाहता हूँ कि ये मेरा साथ दें और मैं इसका इस मिशन को आगे लेके चलूं और अपने क्रिस्टम बच्चों को प्रमोट कर सकूं और इनको आगे लेके जाऊं अच्छा कम कम से कितने किट बैग चाहिए आपको इस एकेडमी का आगाज जब हो गया आपका तो उसकी शुरुआत में कितने बैग चाहिए आपको जी बिल्कुल साजिब भाई ऐसे कुछ है कि सिक्सटी थ्री के करीब बच्चे हैं तो आपको पता है कि जब मैचेस वगैरह जूनियर सीनियर टीम्स बनानी पड़ती है दो तीन टीमें होती हैं उसमें यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि सात से आठ बैग किट बैग भी मुझे चाहिए ठीक है ताकि वो मुश्किल ना हो क्योंकि जब टीम्स अंदर जाती है तो ऑलरेडी बाकी टीम ने जो उनसे वो किट की होती है इसमें यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आसमान के सात आठ किट बैग चाहिए मुझे और किट चाहिए जैसे कि सिक्सटी थ्री अभी बच्चे हो गए हैं इसका प्रोज़र टी शर्ट कैप ठीक है बिल्कुल भी आपको पता है कि मेरे पास जॉब नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को हमारी जो चर्चिज हैं <involved> in <language> मिनिस्ट्रीज हैं और एन जी ओज हैं ये मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस मिशन को लेके चलो और मैं ये भी आपको बताता चलूँ ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्रिशन क्रिशन क्रिकेट अकेडमी है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने और ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्रिस्टन क्रिकेट अकेडमी है वैसे तो अकेडमी हज़ारों हैं और क्लब भी बहुत हैं क्रिस्टन क्लब भी हैं मगर अकेडमी का आगाज़ भी खुदा के फजल करम से मैंने इसको खुद स्टार्ट किया और खुदा ने मुझे रोया दी तो इस पर मैं जो सा वो खुदा की जोन वो रोया को लेके चल रहा हूँ सर जी नाजरीन ना आपने जिस तरह सुना है कि ब्रायन भट्टी ने अपना पहला कदम जब उठाया अकेडमी के लिए और कहते हैं एक और एक ग्यारह और दूसरा कदम जो है जो शाहिद खटक साहब की शक्ल में इनके साथ मिला है ये भी एक क्लब चला रहे हैं एम्पीरियर क्रिकेट क्लब और जो इस वक्त मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ यहाँ पर इस मैच भी हो रहा है जो कि ब्राइन भट्टी भी इसको खेल रहे हैं और इनकी भी टीम है साथ ही तो शाहिद साहब ये बताइएगा कि किस तरह आपने इसका जो एक खाब है उसको पूरा कर देने के कि किस तरह आपने साथ देने का सोचा क्योंकि आप खुद से क्लब चला रहे हैं तो आपने कैसे सोचा कि मैं इस ब्राइन भट्टी का भी साथ हूँ जो आपके क्लब से ही खेल रहा है पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आप आए ये काफ़ी देर से पाँच सात साल से मेरे पास खेल रहा है, है। और इसमें टैलेंट तो था लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसमें अब ये जो जब से हुकूमत आई है ना नई इन्होंने क्लब क्रिकेट को ही काफ़ी मसलन डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है पहले ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट खेली उसके बाद आप रीजन लेवल पे आ गए अगर आपने जोनल क्रिकेट है उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट खेली अगर अच्छा परफॉर्म किया तो फर्स्ट क्लास में या अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाती थी अब चार पाँच चार साल हो गए हैं हमें समझ नहीं लग रही है और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कितने भी क्लब हो गए वो इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं हमें पता नहीं होता हमने किसको खिलाना है बच्चे होते हैं हमें पता नहीं चलता किस तरीके की सिलेक्शन हुई है कैसे हो गई है कैसे बच्चे आए हैं लेकिन काम तो हो रहा है स्कूल लेवल पे भी बच्चों के ऊपर हो रहा है लेकिन हमें सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही है क्योंकि अंडर 19 का पता नहीं चलता कहाँ से बच्चे खेल गए हैं क्या क्राइटेरिया है पहले ये हमें पता होता कि क्लब जो एसोसिएट्स मसला एफिलेटेड जो क्लब है वो ऐसे होता था कि हमारे क्लबों से बच्चे खेलते थे जैसे डिस्ट्रिक हो गई अंडर 19 16 उसके बाद आपने डिस्ट्रिक होती थी सीनियर डिस्ट्रिक्ट उसमें हमें पता होता था कि दो बच्चे खेलने हमारे तो उसमें उनको चांसेस मिलते थे अब बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि क्रिकेट किस ध्यान पे खड़ी है अब ये हुकूमत आई है इन्होंने डिपार्टमेंट को ओपन किया है तो, डिपार्टमेंट पहले बंद हो गए थे जी 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 बिल्कुल बंद हुए थे कौ, कौन से में ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है डिपार्टमेंट को बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया जिसमें बहुत ही प्लेयर जो बेरोजगार हुए हैं जिनके चूल्हे जलते थे इसी क्रिकेट की वजह से प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्लेयर फास, फास्ट फर्स्ट क्लास प्लेयर्स जिनके चूल्हे जलते थे घर के खाना आशाना अब वो रक्षों पे मजबूर हैं टैक्सियाँ चला रहे हैं अब जो है डिपार्टमेंट ये बहुत अच्छा जो शबाज शरीफ ने काम किया है डिपार्टमेंट अभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अब कुछ दिनों के बाद या महीना लगता है पंद्रह दिन लगते हैं है लेटर तो इशू हो गया है तो अब ये इनशाला डिपार्टमेंट खुलेंगे तो इसमें बच्चों को ज्यादा फायदा है जो गरीब है अच्छे प्लेयर है आप कह सकते हैं कि ब्रायन खेलने वाला है इसको अंडर नाइनटीन में चांस भी नहीं मिल सका ठीक है अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट खुली होती तो ये इसको जॉब मिल जाती किसी ना किसी महकमे में जॉब कर सकता साथ साथ गेम भी कर सकता जी सर हर बच्चा जो है ना पाकिस्तान नहीं खेल सकता ये है कि इनशाला ये भी हमारे स्टार ही है लेकिन ये होता है कि कोई पाकिस्तान खेलने तक सारे पाकिस्तानी खेलते हैं ठीक है। लेकिन ये बच्चा जो है बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर जो है इंडेक्स फिंगर से करता है हमारे पास आप देख लेने सकलैन भाई के बाद सईद अजमल आए हैं कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर हमारे पास नहीं, नहीं आया, आया। आप अभी भी टीम देख ले हमारे पास वो नहीं है पॉक टर्मर बॉलर है वो आके कर जाते हैं लेकिन जो जैन बॉलर होता है वो उसका मिशन होता है सिर्फ बॉलिंग करना अगर आप दोनों कश्ती में पाओ रखेंगे तो उससे बात नहीं बनती है, है। एक जगह पे या तो जो जैन स्पिनर होता है वो जैन होता है क्योंकि उसको कंट्रोल होता है उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है लेकिन आप दोनों तरफ जाएंगे तो फिर दोनों काम नहीं होते हैं है। तो ये सिर्फ बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की बहरहाल इसका टाइम इस तरह जाया हुआ कुछ डिपार्टमेंट नहीं हुआ कुछ अच्छे लोग जो है ना वो मिलना मुश्किल है।, है क्योंकि क्रिकेट में सबसे जो मैं ये बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि लोग करते क्या करवाते क्या करते कुछ है और बच्चों से झूठ बोलते हैं हम ये कर लेंगे हम ये कर लेंगे लेकिन उस तरह होता नहीं है होता नहीं। अब ये बिजनेस बन चुका है लोग इसमें पैसे इन्वॉल्व इतना हो ये अब अब बिजनेस है क्रिकेट नहीं है ये है। अब बच्चों से पैसे लिए जाते हैं इसका ये बहुत अच्छा जो है इसने कदम रखा फ्री है फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी है ये बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये जरूर कहूंगा कि इस बच्चे का साथ दें, इसको इक्विपमेंट हर किस्म की इक्विपमेंट दें क्योंकि इक्विपमेंट के बगैर काम नहीं होना है, है। जिसमें इसकी जैसे आप किट बैग की बात कर रहे हैं इसमें किट्स वगैरह है जो प्रॉपर एट से लेके ट्वेंटी साल जो ईयर है, है वो उनको किट जो है इसके नाम की वो बने ताकि वो पहने और इसका नाम हो तो वो इसके साथ ये ये चीजें इनको मिलनी चाहिए जब मिलेंगी तो नाम बनेगा क्योंकि ये महंगी गेम है।, है तो इसका अच्छा कदम है और मैं इसके साथ हूँ क्लब मेरी इसके साथ है इनशाला चलता रहेगा जी ये तो दूसरी ये जो बात है ग्राउंड के हवाले से इसमें सबसे जो अच्छी चीज है वो हमारे यहाँ ग्राउंड के शेख हमजा साहब है जो इसको रन कर रहे हैं उनकी हम जो है ना दिल की गहराइयों से ग्राहियों से अंदर से हम ये कहेंगे कि ये इतना बड़ा काम किया कि बच्चों को क्रिकेट मिल रही है उसके बाद हमारे जीएम साहब हैं जो महबूब अफरीदी साहब है उसका ये बहुत अच्छा कदम है वो शाना बशाना स्पोर्ट्स मैन को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को चीजें मुहैया करते हैं ठीक है। बॉल्स दे देते हैं स्टम्प्स देते हैं बैट देते हैं ये बहुत बड़ी बात है वो और उसका पूरा कंट्रोल है कि कौन सा अच्छा बच्चा है और उसको वो मोटिवेट करते हैं है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है इसी में से इसी अकेडमी में से ही हमारे लिए पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स खेलेंगे है। और ये जो लर्निंग का सिस्टम होता है यहाँ से ही बच्चा सीख सीख थीक थीक के थीक आगे और आगे जाता है वो ही हमारे स्टार बन जाते हैं है। तो इनशाला आपको देखेंगे दो चार साल बाद आपको यहाँ से क्रिकेटर मिलना शुरू हो जाएंगे तो हमारा मिशन ये है और ये ब्राइन का भी यही मिशन है कि हमारे यहाँ से बच्चे अगर हम नहीं खेल सके तो ये कि हमारे बच्चे, बच्चे को खेले जी खेलें जी हमारे पास शिफान मौजूद है जो की ब्रायन भट्टी क्रिश्चन अकेडमी के साथ उनके कोर्डिनेटर हैं और ब्रायन के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो भाई साहब ये बताइएगा कि आप किस तरीके से इस एकेडमी की हेल्प कर सकेंगे सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम और जैसे कि भाई साहब बताया गया है कि मैं खुदा का खादम हूँ तो ब्रायन भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई हैं तो इन्होंने अपनी मुझे रोया अपना वीएन बताया तो मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ हूँ कि ये क्रिश्चियन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो जैसे कि हम पासबान भी क्रिश्चियन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं एज अ संडे स्कूल और जो बच्चे नशा कर रहे हैं नौजवान लड़के जो इस वक्त गलियों में बाज़ारों में आवारा फिरते रहते हैं ना तो वो खुदा की तरफ आते हैं और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी हॉबी होती है कि जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को बरकरार रख रह सके। तो भाई ने जैसे मुझे बताया तो मैं बड़ा इस बात से खुश हुआ तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ मेरी दुआएं आपके साथ हैं और जहाँ तक हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और मेरे संडे स्कूल के बच्चे हैं जितने भी आप उनको भी क्रिकेट के हवाला से सिखाएं उनको ये हॉबी का शौक डालें ताकि उनके अंदर ये एक्टिविटी बढ़े और रूहानी तालीम के साथ ये दुनियावी एक्टिविटी भी उनके अंदर आनी चाहिए ताकि उनकी सेहत भी सेट रहे और और भी जो कुछ भी हमसे हुआ तो हम ज़रूर इनके साथ देंगे क्योंकि भाई साहब ये जिस तरह ये बताना चाह रहे हैं कि हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि, कि मैट्रिक से पहले आप अगर सातवीं में आठवीं में आप हमारे क्लब में आए ताकि यहां से अगर आप गेम से शुरुआत करेंगे तो कॉलेज लेवल पे आपको एडमिशन अच्छा मिल जाएगा तो इसमें आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे जी जी, जी जरूर ये तो सबसे पहले है ना क्योंकि आजकल का जो दौर है वो तालीम का दौर है तो इसमें बहुत जरूरी है ये चीज के हमारे बच्चे अक्सर मैंने देखा है मैं तो अक्सर इलाकों में जाता हूँ घरों में जाता हूँ हमारे जो नौजवान बेटे हैं अक्सर जिनको पढ़ने का शौक भी होता है लेकिन वो अच्छे कॉलेज में अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवा सकते क्यों नहीं करवा सकते क्योंकि इतनी उनके पास सकत नहीं होती अमाउंट नहीं होती कि जैसे कि अच्छी यूनिवर्सिटी में कम से कम चार से पाँच लाख दस लाख रुपए भी लग जाता है लेकिन हमारे लोग इतनी पैसा नहीं खर्च कर सकते लेकिन ये क्रिकेट अकेडमी के बहाव से ये जो ब्राइन बट्टी ने जो ये काम शुरू किया है मैं इतना खुश हुआ कि ये इसकी वजह से जो बच्चा अगर वो मैट्रिक के बाद ये हॉबी को साल लेकर क्रिकेट को साल लेकर अगर एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन फ्री होगा उसके एजुकेशन एजुकेशन हासिल करेगा ताकि वो एक बड़ा लेवल पे बड़ा जॉब कर सके बिजनेस कर सके वो तब ही करेगा जब वो अच्छे कॉलेज में अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा जी भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ जो इस अकेडमी के कोच भी हैं हमायू रियाज और ये भी इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं और हम इससे पूछेंगे कि आपने एकेडमी को ज्वाइन किया है ब्रायन भट्टी की जो क्रिश्चियन फ्री एकेडमी है और किस तरीके से आप टाइम देंगे और किस तरीके से आप बच्चों को यहाँ मोटिवेट करेंगे बताइएगा जी मेरी तरफ से सब भाइयों को सलाम सर मैं ब्राइन भाई ने मुझे बताया तो मैंने ब्राइन भाई के साथ शुरू से साथ हूँ लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि ये अकेडमी स्टार्ट करनी है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि और भी क्रिश्चियन लड़के खेल रहे हैं कोई ज्यादा नहीं तो कम तो जरूर खेल रहे हैं तो मुझे इन्होंने बताया तो मैंने उसी दिन से इन्हीं इन्हीं के लिए वर्क करना शुरू कर दिया मेहनत करना शुरू कर दिया मेरे पास ही गाँव है काफ़ी पैनी गाँव है गंजे पिंड है तेजगढ़ गाँव है अतो के वाण ये वो फिर मैं लाहौर के बाहर मतलब गया भाई के लिए और कुछ काले अभी भी आ रही है मृत के गांव है उसके आगे चले जाए साधु की गांव है कामों की तमोली ये वो ब्रांड भाई के लिए मैं वहां बहुत ज्यादा ना मेहनत कर रहा हूँ कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा ना अकेडमी में बच्चे मिले जो नशा करते हैं उनके पास भी जा रहे हैं कि यार भाई उन्हें छोड़े इधर आए हम तो पहले बहुत तो पीछे रह गए हैं तो हमें चाहिए स्पोर्ट्स बेस में हिस्सा लें और फ्री कॉस्ट है भाई ने बताया आपको फ्री कॉस्ट है तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए तो हम और भी मेहनत कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा ये कि इस एकेडमी के हवाले से कुछ लोग आपका साथ दे रहे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है साजिद भाई इसमें पास्टर ताहिर साहब हैं उनकी बहुत ही खिदमत हैं इस अकेडमी के साथ बड़ा प्यार है और पास्टर सुबा जी हैं पास्टर अरफान जी हैं जो पास्टर ईरफान के भाई हैं बड़े भाई छोटे भाई हैं उनकी बड़ी इसमें मेहनत है और इसमें बड़ा साथ दे रहे हैं वो अब मैं ख़ास करके ये उनका भी बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ पास्टर वसीम है फिर उसके बाद मैं बॉबी भाई का बहुत खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ उनकी बड़ी एफ़र्ट है और बड़ा प्यार है उनका और इस अकेडमी को वो ये भी चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक इसको को ले कर चलें बॉबी स्लॉन जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ बॉबी भाई की उनका बड़ा प्यार है बड़ी खदमत है उनकी और बड़ा प्यार कर रहे हैं वो और वो चाहते हैं कि इस अकेडमी को हम आगे तक ले कर जाएँ बल्कि लाइफ टाइम तक ले कर चलें और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और मैं ये चाह रहा हूँ के हमारी जो इंडस्ट्री है और अपना एन जी ओज है वो हमारा साथ दें ताकि हम इसको अकेडमी को आगे ले कर चल सकें क्योंकि अभी आपको पता है मैंने आप जिक्र भी किया है कि हमारे पास जॉब भी नहीं है लेकिन हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए ताकि मैं बच्चों पर काम कर सकूँ कोचेज पे और इसमें मैं खुदा के करम से इंटरनेशनल प्लेयर जिनके साथ मैंने क्रिकेट भी खेली है मैं उनको भी इन्वाइट करूंगा हमारे क्रिस्टमल बच्चों को बॉलिंग टिप्स बैटिंग टिप्स वगैरह आके अकेडमी में दें ताकि बच्चों को टैलेंट का जो सा बेनिफिट उठा उठा सकें बहुत शुक्रिया आपका यानी कि आप कह सकते हैं कि अकेला बदला कुछ नहीं कर सकता तरह ब्रायन भट्टी ने इस क्रिश्चियन फ्री एकेडमी का आगाज किया है जो कि अस्करी टेन के साथ ही बिल्कुल ये जब हम वहां से सीधा एयरपोर्ट की तरफ आए नए एयरपोर्ट की तरफ तो वहाँ से आपको रेंजर की तरफ जब आएंगे तो आपके साथ ही ये अस्करी टेन है उसके साथ मेन पे ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड भी मेन पे ही है ताकि आपको जो ढूंढना उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और ब्रायन भट्टी का जो नंबर है वो नीचे हम लिख देंगे और ये अच्छा विजन है कि हम जो नौजवान नस्ल जो हमारी जो है नशों में जा रही है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन नशे में जा रहे हैं उनको नशे से बचाने के लिए ये अकेडमी का आगाज़ भी किया गया है और साथ ही साथ जो बच्चे एजुकेशन में नंबर्स कम ले लेते हैं और स्पोर्ट्स की वजह से या किसी और अगर शौक उनको है म्यूज़िक का है तो उसके ब्याव पे वो नंबर लेके कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन मिल जाता लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो उनको एडमिशन भी नहीं मिलता और अगर कोई एडमिशन की ज़रूरत पड़े भी तो पैसे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे आगे पढ़ नहीं सकते तो मेरा ख्याल है ब्राइन का जो ये ख्वाब जो है हम सब मिल के अगर इसको पूरा करेंगे तो वो ख्वाब ज़रूर पूरा होगा क्योंकि ये हमारी मसीही कौम के नौजवानों के लिए एक सवालिया निशान है जो ये पूरा करने की कोशिश करना चाह रहा है क्योंकि ये स्पोर्ट्स के हवाले से अगर क्रिकेट अकेडमी में फ्री बच्चों को क्रिकेट सिखाएगा तो बच्चे सीख कर कॉलेज वगैरह में एजुकेशन हासिल करेंगे और मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरा मैन तारक बजाज दीजिए खुदा